हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान फिजिक्स त्रैमासिक परीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अध्याय एक मात्रा के एवं मापन, इस अध्याय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय दो सरल रेखा में गति, अध्याय तीन समतल में गति, अध्याय चार गति के नियम और अध्याय जो पाँच है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। इन अध्यायों में से सबसे ज़्यादा जो है त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे प्रश्न देख लेते हैं जो 100% गारंटी के साथ आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो फटाफट से इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है कि मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। मापन की पद्धतियाँ इस प्रकार से होती हैं, CGS पद्धति, इस प्रकार से इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, FPS पद्धति, इसके बाद जो होती है MKS पद्धति होती है। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें, दो या तीन अंक में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। इसके बाद जो चौथी पद्धति होती है SI पद्धति होती है, इस प्रकार से आप इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल राशियां कितनी होती हैं, तो जो मूल राशियां हैं 7 मूल राशियां होती हैं और SI पद्धति में कौन कौन सी SI पद्धति मूल राशियां हैं। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से ध्यान रखें, इनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। और पूरक राशियाँ इस प्रकार से कोण और घन कोण होता है, तो इनको आप अच्छे से नोट करें, इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन आपसे जो है विमीय सूत्र का पूछा जाएगा। आपको दो या तीन यहाँ पर विमीय सूत्र लिखने होंगे, जैसे क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होता है इस प्रकार से आप निकालेंगे, M0L2T0 इस प्रकार से होता है। आयतन का भी पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, इस प्रकार से होता है। इसके बाद वेग का विमीय सूत्र इस प्रकार से होता है, त्वरण का विमीय सूत्र इस प्रकार से ए होता है। इसके बाद घनत्व का इस प्रकार से होता है, बल का इस प्रकार से होता है, MLT-2 होता है। इस प्रकार से इन विमीय सूत्र को आप अच्छे से एक बार पढ़कर जाइए। इसके बाद जो कोण एक विमाहीन राशि है, या ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कोण क्या है एक विमाहीन राशि है, इसका जो विमीय सूत्र इस प्रकार से होता है, M0L0T0 होता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न, 100% पूछे जाने वाले प्रश्न चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। और हमारे चैनल के द्वारा आपको हर एक विषय के PDF नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के फ्री PDF नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और हर एक विषय की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। इसके बाद जो प्रतिबल का विमीय सूत्र होता है इस प्रकार से होता है, प्रतिबल का ML-1 L-2 होता है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यह क्वेश्चन जो है 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक का जो है आवर्तकाल टी, उसका प्रभावकारी लंबाई एल, गुरुत्वीय त्वरण जो है जी पर निर्भर करता है। तो विमीय सूत्र की सहायता से इनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है, इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन 3 या 4 अंक में पूछा जाएगा, इस प्रकार से यहाँ आंसर दिया गया है। इसके बाद थोड़ा सा आगे दिया गया है, इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप अच्छे से तैयार करें, त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़कर जाइए। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है, फर्मी मात्रक जो होता है लंबाई का, समान विमाएँ किसकी होती हैं दाब एवं प्रतिबल की, मूल मात्रक नहीं होता है लीटर, और मूल मात्राओं की संख्या कितनी होती है 7 होती है, इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद इनको भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46×10^15 मीटर होता है, और ज्योति तीव्रता जो मात्रक होता है कैंडेला का होता है, इस प्रकार से इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको आप एक बार अच्छे से नोट कीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद इस अंतर को आप अच्छे से याद करें, 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। इस प्रकार से कोई भी 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है चाल और वेग में अंतर, इसको भी आपको तैयार करना है, कोई भी 3 अंतर आप इसमें से याद कर सकते हैं।
इसके बाद जो है गति के तीनों समीकरण आपको अच्छे से तैयार करना है। उनकी व्युत्पत्ति किस प्रकार करते हैं इनको आप अच्छे से तैयार करें। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की व्युत्पत्ति कीजिए, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद गति का द्वितीय समीकरण इस प्रकार से दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। यहाँ दिया गया है, इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक गति के द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति है। इसके बाद गति के तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है और थोड़ा सा आगे दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ से इन दो स्टेप्स को तैयार करें। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन, टीवी सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यह तीन अंक या चार अंक में 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया। सबसे पहले आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आप नीचे लिखेंगे इस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार से यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक अच्छे से इसको तैयार करें। इसके बाद दो अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। इस प्रकार से परिभाषा दी गई है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना है। और बाकी जो YouTube पर जो पेपर वायरल हो रहे हैं वह सभी फेक पेपर हैं, इसलिए आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप एक बार अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़कर जाना है। इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक इस प्रकार से दिया गया है, समतल में गति जो अध्याय है इसमें से जो है सदिश एवं अदिश राशियां क्या होती हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़कर जाइए, दो अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है एकांक सदिश किसे कहते हैं, इस प्रकार से परिभाषा दी गई है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है एकांक सदिश कहलाता है। इसके बाद शून्य सदिश, इन दोनों सदिशों की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। और इसके बाद जो है दो अंक या तीन अंक में सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखिए, इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद जो प्रश्न है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए, इसको आप तैयार करें, दो अंक में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद तीन अंक में पूछा जाने वाला क्वेश्चन सदिश योग का सहचर नियम जो है लिखकर सिद्ध कीजिए, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नोट कीजिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नीचे चित्र दिया गया है, तो इस प्रकार से आपको इस चित्र को बनाना है। इसके बाद जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नीचे दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। या तीन अंक या चार अंक में पूछा जाएगा, इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है, तो इसका आंसर आप अच्छे से नोट कीजिए। इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद जो चार अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, किसी ऊंचाई से क्षैतिज मार्ग में फेंके गए पिंड की गति के मार्ग का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इस व्यंजक को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से सबसे पहले प्रक्षेप गति की परिभाषा दी गई है, तो आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको तैयार करें। इसके बाद व्युत्पत्ति दी गई है, तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद आगे दिया गया है, इस चित्र को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद नीचे इस प्रकार से भाषा दी गई है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद इस प्रकार से दिया गया है यहाँ तक, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद ऊर्ध्वाधर गति के लिए, तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इस प्रकार से आंसर दिया गया। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपकी और अन्य सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और चैनल के द्वारा वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको अच्छे से करवाई जाएगी। इस प्रकार से यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है।
इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है कि पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेपित गति के लिए उड्डयन काल की गणना। यह क्वेश्चन भी 4 अंक में आपसे पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए यहाँ तक। इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध बताइए। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले आपको चित्र को बनाकर देख लेना है, इसके बाद आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो यह क्वेश्चन 3 अंक या 4 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है 2 अंक में आपसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, आंकिक प्रश्न होते हैं, यह पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है, इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद इसका आंसर इस प्रकार से है, इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको एक बार अच्छे से पढ़कर देख लेना है, इस प्रकार से इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो आपका अध्याय है गति के नियम, इस अध्याय से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, बल किसे कहते हैं, बल के प्रभाव समझाइए, इस प्रकार से। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जड़त्व का नियम लिखिए, या जड़त्व किसे कहते हैं, इस प्रकार से जड़त्व के नियम दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जड़त्व की परिभाषा, ब्रह्म अवस्था का जड़त्व और गति अवस्था का जड़त्व, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 2 अंक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम लिखिए, इस नियम को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया, इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है, बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से आंसर दिया गया, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 1 अंक में यह परिभाषा पूछी जाती है कि 1 न्यूटन बल किसे कहते हैं, न्यूटन और डायन में संबंध बताइए, तो इस प्रकार से आंसर दिया गया, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, इस प्रकार से आंसर दिया गया, इस चित्र को आपको बनाना है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद आंसर दिया गया, इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है, कार का मात्रक लिखिए तथा जूल एवं अर्घ में अंतर बताइए, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इस अंतर को आपको तैयार करना है, शक्ति और ऊर्जा में अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल किसे कहते हैं, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, 3 अंक या 2 अंक में आपसे पूछा जाएगा, जड़त्व एवं जड़त्व आघूर्ण में अंतर, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो 3 अंक या 4 अंक में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद आगे दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद आगे दिया गया है, इस प्रकार से आंसर दिया गया, इस चित्र को भी आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है, तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया, इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर, इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। तो इस प्रकार से यहाँ तक इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यह इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्ष प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, तो इस प्रकार से लंबवत अक्ष प्रमेय दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया, इसको आप अच्छे से नोट करें। और इस प्रकार से आपको इस चित्र को बनाकर देख लेना है, इस प्रकार से चित्र दिया गया है। इसके बाद व्युत्पत्ति दी गई है, तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद नीचे दिया गया है, तो इसका आंसर आप अच्छे से नोट करते जाइए। इस प्रकार से आपको यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन,
कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर लिखिए। इस प्रकार से दो अंक या तीन अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा है। इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको तीन या चार अंतर अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इसको भी आपको तैयार करना है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध लिखिए या फिर बताइए। इस प्रकार से आंसर दिया गया तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, यह संबंध होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। इसके बाद जो है कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आपसे दो अंक में पूछी जाएगी। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति संबंधी तृतीय नियम लिखकर सिद्ध कीजिए, या फिर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि केपलर के ग्रहों संबंधी नियम लिखिए और तृतीय नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है तो इसको आप अच्छे से नोट करें। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, यहाँ तक आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद हम और भी प्रश्न देखने वाले हैं। इन प्रश्नों को भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है।